आवाज विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मित्रों, विशेष में आज हमारे साथ है सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी के डॉक्टर अरुण भस्मे साहब। आपको बता दें कि देश में जहां जहां भी होम्योपैथ पर काम हो रहा है और होम्योपैथी के विकास के लिए जहां पर काम हो रहा है, वहां पर डॉक्टर अरुण भस्मे सर है। इस समय महाराष्ट्र में होम्योपैथ को स्टेबल करने के लिए, इस लहजे में कि स्टेबल उसके गुणवत्ता में नहीं, उसके स्टेटस में, उसका जो स्तर है उस स्तर को महाराष्ट्र सरकार ने अभी तक स्वीकार ही नहीं किया है और इसकी लड़ाई पिछले 30 सालों से वे लड़ रहे हैं। इससे हमारे साथ हैं, हमारे स्टूडियो में हैं और आज की बातचीत हम उन्हीं से कर रहे हैं। डॉक्टर भस्मे सर, कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। बहुत लंबे समय से आप काम कर रहे हैं होम्योपैथ पर, होम्योपैथ के विकास में भी आपने काम किया। आप सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी जो है, जिसको केंद्रीय स्तर पर जो ये संगठन है, इस पर, इसमें आप वाइस प्रेसिडेंट है इस समय। ये सारा का सारा सफ़र करते हुए और महाराष्ट्र में उसको एक स्तर मिले होम्योपैथ को, इसके लिए आप लड़ रहे हैं, ये पूरा संघर्ष कैसा रहा आपका? कि मेरा संबंध ऐसा होम्योपैथी से 1974 से शुरू हुआ। अच्छा। जब मैं पास हुआ यहाँ अमरावती में, मैं मेरा कोर्स करने के बाद जब बीड़ में, मैं श्रीमती केशर का को क्षीरसागर, उनका होम्योपैथी कॉलेज था। अभी तो आप वहाँ प्राचार्य हैं। अभी मैं वहाँ प्राचार्य हूँ। मैं 76 से मैं वहाँ प्राचार्य हूँ जी। और उनके माध्यम से मैंने होम्योपैथी शास्त्र को एक स्टेटस देने की कोशिश किया हूँ जी जी। और काफ़ी उसमें मेरे को सफलता भी मिली जी। लेकिन प्रमुख मुद्दे जो मेरे है होम्योपैथी को बढ़ावा देने के, ये तो एक है कि होम्योपैथी का सेपरेट डायरेक्टरेट होना चाहिए महाराष्ट्र में, जो दूसरे स्टेट में, कई स्टेट में है जी। नंबर दो, ऐसे ऐसे कितने स्टेट है हमारे यहाँ की जहाँ पर ये डायरेक्टरेट है और महाराष्ट्र में नहीं है? इसमें पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल। अच्छा। इसमें होम्योपैथी के सेपरेट डायरेक्टरेट हैं। हालांकि वो जो स्टेट है बहुत छोटे हैं जी, लेकिन वहाँ होम्योपैथी के सेपरेट डायरेक्टरेट है। और दूसरी बात कि होम्योपैथी के जो ग्रेजुएट्स बाहर निकलते हैं उनके लिए महाराष्ट्र सरकार में कोई जॉब नहीं है। जैसा एलोपैथी और आयुर्वेद और यूनानी जी, इसके डिस्पेंसरी हर पीएचसी सेंटर में है, रूरल हेल्थ सेंटर में है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है। आज तक हम 30 साल से इसके लिए लड़ रहे हैं कि होम्योपैथिक डॉक्टर को गवर्नमेंट सर्विस में जगह मिलनी चाहिए, महानगर पालिका हो, नगर पालिका हो, इसके जो हॉस्पिटल्स है वहाँ होम्योपैथी की एक एक डिस्पेंसरी होना चाहिए। इसके लिए मैं काफ़ी वर्षों से लड़ रहा हूँ, लेकिन अभी तक महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसके बारे में कुछ नहीं किया। क्या शुरुआती दौर से आप अकेले ही लड़ते रहे हैं, कोई संगठन भी बनाया आपने इसके लिए? मेरा संगठन तो पहले था एक होम्योपैथिक जो कॉलेजेस का एसोसिएशन है जी जी, जिसकी केशरभाई क्षीरसागर अध्यक्षा थी जी, और मैं सेक्रेटरी था। तब से मैं इस संगठन से काम कर रहा हूँ। और डॉक्टर का भी एक अलग से संगठन, जो प्रैक्टिशनर है उसका भी एक संगठन था, महाराष्ट्र होम्योपैथिक डॉक्टर्स फोरम। अच्छा। उसका भी मैं बोले तो एडवाइजर रहा हूँ। अच्छा। उसके निमंत्रक बोल के हमारे डॉक्टर बाहुबली शाह, जो अभी प्रशासक है महाराष्ट्र काउंसिल के, वो है। और अभी डॉक्टर वी आर कविश्वर, जो अभी डीन है हमारे MEHS में, वो उनके प्रेसिडेंट है। इसका मैं एडवाइजर बोल के काम करता रहा हूँ। और ये जो हम जो जिस तरह से इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी मैंने एक बात बताया आपको डायरेक्टरेट का, दूसरी बात बताया कि होम्योपैथिक डॉक्टर्स को कोई जगह, कोई स्थान नहीं है, कोई जगह नहीं है, कोई रिक्तियां नहीं है उनके लिए, कोई अलग से दवाखाना नहीं बनाया नहीं है। तो इसके साथ और कोई बहुत अहम मुद्दे है। एक अहम मुद्दा ऐसा है कि जब होम्योपैथिक डॉक्टर्स ज्यादा से ज्यादा विलेज में ऐसा सेवा दे रहे हैं, आरोग्य सेवा, बिल्कुल, बिल्कुल। जहाँ MBBS डॉक्टर नहीं जा रहे, वहाँ उनके अपॉइंटमेंट है लेकिन वो नहीं जाते, वो शहर में जाते हैं। अच्छा। और पूरी गवर्नमेंट की आरोग्य सेवा जो है पूरी होम्योपैथिक डॉक्टर को संभालना पड़ता है जी। ऐसे स्थिति में कई विलेजेस में कोई इमरजेंसी आई तो इमरजेंसी में कुछ टाइम एलोपैथी की दवाई देना पड़ता है। अच्छा। और हम डॉक्टर को मालूम है
कि भाई इसको ये गोलियां देने से बच सकता है, लेकिन हमको थोड़ा सा कायदा की जरा सा अड़चन आ रही है कि होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर है तो एलोपैथी प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हम गवर्नमेंट के पास झगड़ रहे हैं कि भाई हमको ब्लैंकेटली मत परमिशन दीजिए, हमको सिखाइए, फार्माकोलॉजी पढ़ाइए, उसका कोर्स बनाइए, क्योंकि इस देश के जो ग्रामीण जो रुग्ण है हमारे महाराष्ट्र के, क्या होम्योपैथ्स को इस समय उनके कोर्स में एलोपैथ पढ़ाया जाता है? अभी पढ़ाया जाता नहीं, क्योंकि होम्योपैथी काउंसिल होम्योपैथी के विकास के लिए है, टू बी फ्रेंकली। अच्छा, ये एलोपैथी के विकास के लिए नहीं, मैं अलग बात कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, होम्योपैथी का विकास पहले जैसा डीएचबी कोर्स 3 साल का था जी, फिर उसके बाद डीएचएमएस आया, उसके बाद बीएचएमएस आया, बीएचएमएस ग्रेडेड आया, एमडी आया, एमडी पहले 3 साल का था, 3 सब्जेक्ट में था, अभी 7 सब्जेक्ट में है, अभी होम्योपैथी में पीएचडी भी आ गई। इसके बारे में हम बहुत डेवलप कर रहे हैं जी। हाँ, महाराष्ट्र में पहली बार हमने एमडी बीड कॉलेज में शुरू किया काकू की जी के माध्यम से, और उनके अभी जो लड़के हैं जो मिनिस्टर है, मैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में जी, पब्लिक अंडरटेकिंग कैबिनेट मिनिस्टर है, उनके माध्यम से भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, उन्होंने भी कई बात ये, क्योंकि वो भी ग्रामीण भाग से आते हैं। लेकिन ये 30 सालों में कोई सफलता मिल ही नहीं पाई आपको? नहीं, उन्होंने भी बहुत ट्राई किया है। हाँ। लेकिन क्या होता है कि यहाँ जो महाराष्ट्र की जो आईएमए का एक ग्रुप है, अच्छा, हाँ, उनको लगता है कि ये डॉक्टर मतलब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, मेडिकल एसोसिएशन, क्योंकि काफी होम्योपैथिक डॉक्टर उनके नर्सिंग रूम में काम, नर्सिंग होम में काम करते हैं काफी होम्योपैथिक डॉक्टर, क्योंकि उनका हमारा जो सिलेबस है इट इज इक्वलेंट टू एमबीबीएस, वो दूसरे पैथी के डॉक्टर्स को नहीं लाइक करते, मैं किसी के ये नहीं कर रहा हूँ जी जी जी, हाँ, होम्योपैथी के डॉक्टर्स को इसीलिए लाइक करते कि ये कोर्स उनके बराबर है, क्योंकि उसके सब सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, सिर्फ एक सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी नहीं है, और उसमें होम्योपैथी के एडिशनल 4 सब्जेक्ट हैं, यानी होम्योपैथिक डॉक्टर इट इज मोर देन एमबीबीएस, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ जी। हाँ, तो वो डॉक्टर जब प्रेशर है उनका, कुछ चल रहा है उनका, उनको भी हम समझाएंगे, क्योंकि वो भी होम्योपैथी के, लेकिन मुझे मुझे ये बताइए, वो भी आयुर्वेदिक की दवाई देते हैं लिख के, फिर नहीं तो मैं, डॉक्टर साहब मुझे आप ये बताइए कि जब अन्य जो डॉक्टर्स हैं जो एलोपैथ के हैं, जो आयुर्वेद के हैं, जो यूनान के हैं, वो अन्य अन्य पैथियों का मिक्स ट्रीटमेंट करते हैं, हाँ, देते है ना, उसका उसको प्रिस्क्राइब करते हैं, तो ऐसी स्थिति में होम्योपैथ के लिए ये क्यों नहीं है? उनको मालूम है कि एक तो उनके नर्सिंग होम बंद हो जाएंगे यदि ये प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया कि वो चले जाएंगे ग्रामीण भाग में, क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस नहीं है उसके लिए, ऐसा कोई जॉब ढूंढते हैं लोग हमारे होम्योपैथी के। अच्छा, ये होने के बाद वो चले जाएंगे अपना जॉब, खुद ही अपना अपने पैरों पे खड़े रहेंगे अच्छी तरह से। और दूसरी बात यह है कि उनको ये लगता है कि ये जो एलोपैथी देने लगे तो हमारे पास कौन आएंगे, अभी जो उनका जो ये है फीडिंग जिधर से मिलता है रूरल एरिया से, अब ये लोग रूरल एरिया में गए तो फिर हमारे पास पेशेंट कहाँ से आएंगे। लेकिन ये कहाँ की बात हो गई कि अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए साइंस को नकार दिया जाए, स्वास्थ्य को नकार दिया जाए। हाँ, तो यही तो गलत है, तो उसके लिए हम क्या करें? नहीं तो आपका ये संघर्ष जो चला आपका, इसीलिए तो हम संघर्ष कर रहे हैं, इसीलिए संघर्ष कर रहे हैं, हमने कितने बार मोर्चे निकाले हैं, हर 3 CM के साथ मैंने मीटिंग किया है, कम से कम 10 मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर और आरोग्य मंत्री के साथ मीटिंग किया है, सिर्फ वो आश्वासन देते हैं। गवर्नमेंट का क्या है कि कोई काम नहीं करना रहा था उसकी कमेटी बना देते, अच्छा, चलते रहो, लेकिन उस कमेटी पर तो आप भी हैं। मैंने जो कमेटी बनाया, अभी जो बनाई कमेटी, जो ये कोर्सेस, जो हमारे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री जो है डॉक्टर गावित, डॉक्टर विजय गावित, ये इसमें हमारे को थोड़ी समाधान की बात है, तो सेटिस्फेक्शन। मतलब कैसे 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 कि जब उन्हें पिछले विधानसभा में उन्होंने फ्लोर पे जाहिर किया था कि हम ऐसा कोर्स जल्दी बनाएंगे, तो वो कमेटी में उन्होंने मुझे लिया, हमने फिर होम्योपैथिक डॉक्टर को एलोपैथी का इस कोर्स बनाने का नहीं, तो हमने वहाँ से 4 कोर्सेस जो एलोपैथी को भी होम्योपैथी और आयुर्वेदिक यूनानी पढ़ना चाहिए, यूनानी डॉक्टर को भी एलोपैथी होम्योपैथी और आयुर्वेद पढ़ना चाहिए, आयुर्वेद वालों को भी होम्योपैथी यूनानी और मेडिकल पढ़ना चाहिए, इसके लिए हमने 1-1 साल के कोर्स बनाए और वो कोर्स जो है हमने सबमिट किए गवर्नमेंट को, लेकिन गवर्नमेंट के स्तर पर उसके स्तर पर लेकिन हमारे नहीं आगे बढ़ रहे। लेकिन हमारी जानकारी तो यह है कि इसको कैबिनेट में इस प्रस्ताव को मंजूरी भी मिल गई, इसको पारित कर लिया गया, लेकिन बावजूद इसके सरकार के एजेंडे में ये शामिल नहीं हुआ। ये क्या है कि जब वो पीछे की सरकार जब थी युति की गवर्नमेंट में, उस टाइम ये ऑलरेडी ये कोर्स को 6 महीने का कोर्स का मान्यता दे गई थी। अच्छा, लेकिन उसके बाद में गवर्नमेंट चेंज हो गई, उसके बाद में उस पर कुछ हुआ नहीं, लेकिन हमारा
प्रयत्न चालू रखा हमने। अभी हमारे डॉक्टर गावित जो है उनके उसके बारे में काफ़ी पॉजिटिव है, और हमारे अजीत दादा पवार, इवन सीएम भी उसके पॉजिटिव में है, लेकिन जो वहाँ के ब्यूरोक्रेट है ना मिनिस्ट्री में, वो ब्यूरोक्रेट बरोबर उनको सलाह नहीं दे रहे। ये क्या बात हो गई भाई, जनता के प्रतिनिधि इस बात के लिए पॉजिटिव है, इस बात के लिए सकारात्मक है, वो चाहते हैं, वो चाहते हैं, हम जब और बात प्रशासन करते हैं तो ये करना चाहिए ऐसा बोलते हैं, जब फाइल आती है तो ऐसा ऐसा हो रहा, तो इसीलिए हमको अभी ये करना पड़ रहा है कि हम 9 तारीख को उपोषण को बैठ रहे, मैं बैठ रहा हूँ। अच्छा, मतलब इस शीतकालीन अधिवेशन में, शीतकालीन अधिवेशन में नागपुर में मैं और मेरे दोस्त, अच्छा, एक हमने हम अभी हमारी एक संगठना नहीं रही, हमने क्या किया कि 5-6 संगठना गवर्नमेंट के पास जाती थी। अच्छा, तो गवर्नमेंट के लगता था कि इस संगठन में कोई यकीन नहीं है, तो बुरपुर ये ऐसा ऐसा घुमाते थे वो। अच्छा, तो मैंने सब संगठन के लोगों को बुलाया, मैंने बोला आप ऐसा करेंगे तो अपना काम नहीं होगा, आप सब लोग एक बैनर पे आइए, एक प्लेटफॉर्म पे आइए, हम अपना अपना जो बैनर है वो बाजू में रखेंगे, नया बैनर करेंगे। क्या बात। तो हमने होम्योपैथिक डॉक्टर्स अन्याय निवारण संघर्ष समिति महाराष्ट्र, ये बैनर के नीचे अब सब लोग आ गए, उसमें कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव है, अनेक अनेक संगठना जो है वहाँ के, हिमपाम है, एसोसिएशन महाराष्ट्र एसोसिएशन है, और निहा है, और होम्योपैथी कॉलेज, ये सब कॉलेज के सब संगठन एक होकर ये हमने संघर्ष समिति बनाया है, और इस संघर्ष समिति के बैनर पर कितने संगठन है इसमें? इसमें 5 संगठन है। अच्छा, तो ये महाराष्ट्र स्तर पर काम करती है? ये महाराष्ट्र स्तर पर। तो अभी जो आपका आंदोलन होने वाला है, इस आंदोलन में पूरे महाराष्ट्र के डॉक्टर्स शामिल हैं? 57,000 डॉक्टर्स है महाराष्ट्र में होम्योपैथी के, और वो सब शामिल हैं इस आंदोलन में, और कम से कम 10,000 स्टूडेंट है होम्योपैथी कॉलेज में जो पढ़ते हैं, उसमें वो संस्था चालक है, प्राचार्य है, लेक्चरर्स है, ये सब 10-11 तारीख को जो हमारा महामोर्चा निकल रहा है विधान भवन पर, उसमें शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन आपने अभी अभी तो कहा इसे कि ये अनशन जो है आपका, ये जो आंदोलन है आपका, इसके लिए कोई समय निश्चित नहीं किया, अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं तो हम 9 तारीख से हड़ताल कर रहे हैं ना। अच्छा, और 11 तारीख तक हम वेट करेंगे हमारा मोर्चा होने तक, इसके अच्छा। बारे में क्या करते हो, आश्वासन नहीं होना हमको अभी, और फिर अगर ना करे तो हम पूरा महाराष्ट्र जो होम्योपैथिक डॉक्टर से हमारे दवाखाने बंद करेंगे, और सब आरोग्य सेवा जो गवर्नमेंट की अपनी दे रहे हैं वो सब बंद कर देंगे। क्या इससे लोगों के स्वास्थ्य पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? हम क्या करें अभी, जब गवर्नमेंट को इसकी चिंता नहीं तो हम क्यों करें, गवर्नमेंट को चिंता करना चाहिए, क्योंकि क्या है, एक मैं बात बताता हूँ जी, कि गवर्नमेंट जो है वो मलेरिया डॉक्टर आता है आप देखते हैं, उसके क्या क्वालिफिकेशन है जी, वो गोली देता है वो चलती है, जो MPW जो है वो समाज वो सेवक है, आरोग्य सेवक है जी, जी, उसको जी। क्या समझता जी, उसको लगता है ये दवाई है, ये मेरे मलेरिया पे चलती है, अब वो डॉक्टर ने होम्योपैथी डॉक्टर ने दी वो गुनाह हो जाता है। नर्स है, आशा सेवक है, ये सब अपना खेड़ों पहाड़ों में दवाई बांटते हैं, तो वो उनके पास कौन सी डिग्री है, उनके पास क्या है? तो हमारा तो भी जो कोर्स है ये तो 4.5 साल पढ़ाया जाता है, 1 साल इंटर्नशिप रहती है, पेशेंट देखते हैं, पेशेंट देखने के बाद देते हैं, और वैसे भी मैं बोलता हूँ आपको एलोपैथिक मेडिसिन जो देते हैं ना डॉक्टर, वो MR आता है, वो एक दिन आता है बताता है कि ये दवाई इस पर चलती है, और वहाँ से प्रिस्क्रिप्शन स्टार्ट कर देता है। ये बात जरूरी है कि उनको वो मेडिसिन का फार्माकोलॉजिकल नॉलेज है, और फिर यही MR सब जो होम्योपैथिक डॉक्टर के पास गया कि भाई ये दवाई इस पर देते हैं, तो उन्होंने देने लगा, तो उसमें क्या है, वो तो एक मिनट में समझ जाता है ना कि मलेरिया की ये दवाई है, टाइफाइड में ये दवाई है। डॉक्टर साहब यहाँ पर रुकेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, मित्रों बने रहिएगा हमारे साथ। होम्योपैथ के विकास पर जो लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई के जो पुरोधा है डॉक्टर अरुण भस्मे सर, उनसे ये बातचीत हो रही है, एक छोटे से ब्रेक के बाद पुनः मिलते हैं। अच्छा, लेकिन मुझे ये बात बताइए कि इसको अधिकतर जो विरोध करने वाले जो लोग हैं, वो सारे लोग जो हैं वो एलोपैथ के लोग हैं, हाँ। कि भाई होम्योपैथ को एलोपैथ के प्रैक्टिस का परमिशन नहीं देना चाहिए, हाँ। ऐसा ही आपका हाँ, मानना बिल्कुल, है? बिल्कुल। आवाज विशेष कार्यक्रम में पुनः एक बार आपका स्वागत है। मित्रों ब्रेक पर जाने से पहले ये जो बातचीत चल रही थी, ये बातचीत चल रही थी डॉक्टर अरुण भस्मे सर से, जो कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी के वाइस प्रेसिडेंट है, और इस समय नागपुर में जो शीतकालीन अधिवेशन होने वाला है, उस शीतकालीन सत्र में
वे होम्योपैथ की समस्याओं को लेकर एक बड़े आंदोलन की तैयारी में है और इसके लिए उन्होंने होम्योपैथिक डॉक्टर्स अन्याय निवारण संघर्ष समिति बना रखी है और ये समिति 57,000 डॉक्टरों के साथ इस समय इस शीतकालीन सत्र पर दस्तक देने वाली है। और बात यहीं पर चल रही है कि डॉक्टर साहब, आपने कहा कि ये सारे डॉक्टर्स जो हैं जो गांव में काम कर रहे हैं और सब होम्योपैथ से अधिकतर, मतलब जिसको हम 99% कहें, ये जो डॉक्टर्स हैं जो होम्योपैथ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि क्या होम्योपैथ क्विक रिजल्ट नहीं दे पाता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। होम्योपैथी कह तो फिर क्यों आग्रह क्यों है कि एलोपैथ ही होना चाहिए? तो कोई कोई बीमारी ऐसी है जैसे स्नेक बाइट है, अच्छा उसमें क्या होम्योपैथी दे सकते, वो तो मर जाएगा। हम खुली बात बोलते हैं, उसमें जो एक्सेप्ट है, जो रियलिटी है, वो तो बताएंगे ना। बिल्कुल। तो समझो कोई फ्रैक्चर हुआ है, बिल्कुल, तो उसको तो सपोर्ट देना ही पड़ेगा ना, उसको बांधना तो पड़ेगा। कोई वुंड हो गई, उसको तो स्टिचेस तो देना पड़ेगा ना, तो भूल देने के लिए दवाई तो देना पड़ेगा ना। तो ये काम कर सकते हैं ना, उसको क्या है, जो कंपाउंडर कर सकता है तो होम्योपैथी डॉक्टर क्यों नहीं कर सकता? तो इसीलिए हमारी डिमांड है कि भाई हम ब्लैंकेटली हमको परमिशन नहीं होना, हमको पढ़ाइए, पढ़ाने के बाद हमको अलाउ करिए। अच्छा, लेकिन मुझे ये बात बताइए कि इसको अधिकतर जो विरोध करने वाले जो लोग हैं वो सारे लोग जो हैं वो एलोपैथ के लोग हैं, हाँ। कि भाई होम्योपैथ को एलोपैथ के प्रैक्टिस का परमिशन नहीं देना चाहिए, हाँ। ऐसा ही आपका, हाँ, मानना बिल्कुल, है? बिल्कुल। मुझे ये बताइए कि हम लोग कभी एलोपैथ के डॉक्टर्स के पास जाते हैं और पेट की बीमारी के लिए जाते हैं, कभी लीवर की बीमारी के लिए जाते हैं, कोई तकलीफ होती है तो वो आयुर्वेद का एक ये उठाकर दे देते हैं? हाँ, मैं यही बोलना तो चाहता मुझे हूं। ये बताइए कि हाँ। जब एलोपैथ का डॉक्टर हाँ। धड़ल्ले से आयुर्वेद का इस्तेमाल करता है, उनको कोई हक ही नहीं है ना बोलने का, फिर तो वो होम्योपैथ को क्यों रोकते? वो होम्योपैथी भी देते हैं फॉरवर्ड इन्फॉर्मेशन, अच्छा नॉट ओनली आयुर्वेदिक मेडिसिन, होम्योपैथिक भी दवा देते हैं। ऐसे कितने डॉक्टर मैं बताऊंगा आपको, वो खुद देते हैं, घर के लोगों में सब होम्योपैथी की दवाई देते हैं, घर के लोगों को वो एलोपैथी की दवाई नहीं देते। अच्छा, हाँ, घर के लोगों को होम्योपैथी की दवाई देते, खुद होम्योपैथी की दवाई देते, लेकिन इससे कोई होम्योपैथी पे असर पड़ने वाला नहीं है ना। जो होम्योपैथी प्रैक्टिस करना चाहता है उसको थोड़ी रोक रहे हैं, जो ग्रामीण भाग में जा रहे हैं उनको जो अड़चन आती है वहां देने की कोशिश कर रही है, और इसमें होम्योपैथी का असर नहीं, उलट तो मैं ये बोल रहा हूँ इसके वजह से होम्योपैथी और बढ़ेंगी, होम्योपैथी डॉक्टर की प्रैक्टिस और बढ़ेंगी। मैं मेरा ये मतलब जरूरत ये है कि जहाँ जिसकी जरूरत है, हाँ, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो आपने क्या ये आर्गुमेंट सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी के थ्रू नहीं रखा, क्योंकि आप तो वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट? हाँ, यही बात करना चाहता हूँ। होम्योपैथिक काउंसिल जो है, हाँ, ये होम्योपैथिक एजुकेशन और प्रैक्टिस कंट्रोल करती है। अच्छा, होम्योपैथिक प्रैक्टिस। अब आप बोलेंगे तो वहाँ वाइस चुन के आया हूँ, आप कैसे चुन के आए? तो मेरा उसमें योगदान है होम्योपैथिक एजुकेशन में। महाराष्ट्र में मैंने एजुकेशन होम्योपैथी का बढ़ावा दिया है, यहाँ डिप्लोमा से डिग्री, MD और PhD तक मैंने लाया है। पहले मेरे कॉलेज में मैंने शुरू किया, उसके बाद काफी कॉलेज में महाराष्ट्र में मैंने शुरू किया। अब दूसरी बात यह है, ये जो बात, तो इसके लिए क्या है कि काउंसिल में हमारे पूरे हेनमेनियन होम्योपैथ मेंबर बन के आए हैं जी। हम उसको कुछ ज्यादा उनके बारे में बोलना इसीलिए नहीं चाहते कि उनको बुरा लगेगा, तो उनके धारणा ठीक है, हाँ, कि होम्योपैथ ने होम्योपैथी प्रैक्टिस करना चाहिए, ये बात सब ठीक है। लेकिन मैं 91 में एंट्री किया था काउंसिल में, उस टाइम तीन लोग, हम डॉक्टर रजनींदुलकर, मैं और डॉक्टर पीवाई कुलकर्णी जी, हम तीन लोग एक साइड में और पूरी काउंसिल एक साइड में, यानी 50 मेंबर थे। आज ऐसी स्थिति है, मैंने ये इशू पर कम से कम 17 लोग मेरे साथ में आए अभी जी, और मेरे को उम्मीद है यदि कोई काम पड़े। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि काउंसिल की इसको आवश्यकता ही नहीं, काउंसिल के रिकॉग्निशन की, क्योंकि हेल्थ जो सब्जेक्ट है ये स्टेट में आता है कंकरेंट लिस्ट में, और उस संदर्भ में कायदा करने का अधिकार स्टेट को है, वो कुछ भी कर सकते हैं। इसके बारे में जब अंबुमणि रामदास हेल्थ मिनिस्टर थे, उन्होंने राज्यसभा में लिखित स्टेटमेंट दिया है कि ऐसे बारे में प्रैक्टिस यदि करना है तो जिसको कोर्स बनाना है तो स्टेट गवर्नमेंट इसका स्पेशल डायरेक्टिव निकाल सकती है, और यही हम उस गवर्नमेंट को बोल रहे हैं कि आप ऐसा डायरेक्टर निकालिए, वो तैयार है, सब तैयार है, लेकिन काम नहीं हो रहा। ऐसी खबर तो अभी कर्नाटका से भी आ रही है कि, हाँ, ये जहां तक हम समझते हैं कि ये 3-4 दिन पहले की बात है, हाँ, ये कर्नाटका में इस पर आंदोलन हुआ जी, तो वहां के गवर्नमेंट ने ये एग्री किया कि भाई ये 25 मेडिसिन इनको अलाउ करने दी जाए, इसके बारे में वो अभी डायरेक्शन निकाल रही है। इसके लिए आपने कोई ऐसा कोर्स भी बनाया है? कोर्स बनाया ना, हमने अभी बनाया, एक साल का हमने कोर्स बनाया है गवर्नमेंट के पास। अच्छा, गवर्नमेंट के पास दिया है, सबमिट हुआ है।
तो क्या सरकार का क्या कहना है? वो हमारे सेक्रेटरी नहीं मिल रहे फुल फ्लेज हमारी, ये तो दुर्भाग्य है हमारा। तो ये संचालनालय बनाने की तैयारी कैसे होगी? संचालनालय की वो तो बात दूर है, हम पहले ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो इंटरपैथी कोर्स की। अच्छा, आज की स्थिति में, और होम्योपैथिक डॉक्टर्स को सर्विस की, ये दो हमारी मेन डिमांड है। बाकी और भी दो तीन डिमांड है, वो भी मैं बोलना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल दीजिएगा। एक है कि हमारे BHMS डॉक्टर जब इंटर्नशिप करते हैं जी, तो उसको स्टाइपेंड दूसरे स्टेट में मिलता है जी। और जो MD स्टूडेंट है, अब आप NIH जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, आप बिलीव नहीं करेंगे, वहाँ के MD स्टूडेंट को 45,000 रुपये स्टाइपेंड मिलती है। ये जो पश्चिम बंगाल वाला, पश्चिम बंगाल में जो गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है जी जी, तो हमारे MD के स्टूडेंट और जो इंटर्नशिप करते हैं बच्चे, उन सब बच्चे को इंटर्नशिप पीरियड में कुछ ना कुछ तो भी स्टाइपेंड गवर्नमेंट ने शुरू करना चाहिए, ये भी एक हमारी एक मांग है। एक हमने, ये तो सेपरेट डायरेक्टरेट के बारे में मैंने बोला है। हाँ, और एक बहुत एक हमारी डिमांड जो है कि अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि वो RTO में जो फिटनेस सर्टिफिकेट रहता है, कोई फाइल चल रही है तो उसमें कोई मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ता है, फिटनेस सर्टिफिकेट, तो उसके लिए पहले सर्टिफिकेट चलते थे, अभी गवर्नमेंट ने वो उसने रद्द कर दिए। क्या उसका GR निकाल दिया? उसका GR निकाल दिया है। तो कुछ लोग ऐसे काम करते थे, सर्टिफिकेट यानी सर्टिफिकेट के ही काम करते थे कुछ लोग, तो उनका भी अभी रोजी रोटी का प्रश्न आ गया। तो जब हमारा कोर्स यदि MBBS के समकक्ष है, आयुर्वेद के समकक्ष है, तो और हमारे एक्ट में हमको प्रोविजन दिया है कि आप जिसके पास रिकॉग्नाइज क्वालिफिकेशन है काउंसिल का, वो फिटनेस सर्टिफिकेट दे सकता है, मेडिकल सर्टिफिकेट दे सकता है, इंक्वेस्ट कर सकता है, और कोर्ट ने भी उसकी जवाब दे सकते हैं। ऐसा होने के बावजूद भी गवर्नमेंट ने सर्कुलर निकाला, तो ये जो सर्कुलर है वो उन्होंने रद्द करना चाहिए, इसके लिए हमारी एक डिमांड है। और जो एलोपैथिक प्रैक्टिस करते समय कुछ डॉक्टर पर कोई अन्याय हुआ है, पुलिस केस हुई है, तो उनके जो खटले उन पर दाखिल हुए हैं, वो भी एक पीछे लेने की हमारी एक डिमांड है उसमें। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आप इस बात को जस्टिफाई कैसे करते हैं कि जिस डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट ही नहीं किया, उसको देखा ही नहीं, उसको फिटनेस सर्टिफिकेट देने? नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा, फिटनेस तो बोले तो अभी समझो RTO का, RTO के पास देना है। अच्छा, RTO को देना है तो क्या घर बैठे थोड़ी देता है, वो आता है, देखता है, क्या उसका एग्जामिन करता है? एग्जामिन करता है, एग्जामिन करने के बाद ही देता है ना, वैसे थोड़ी देते हैं सर्टिफिकेट। तो ये बात कब आया, ये सर्कुलर? ये अभी एक साल हो गया है, उसके बारे में मैंने मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर को लिखा। लेकिन तब तो आप ही बोर्ड पर थे। नहीं, हम बोर्ड पे नहीं, हम इस गवर्नमेंट के बोर्ड में नहीं है, हम सेंट्रल काउंसिल में है। अच्छा, सेंट्रल काउंसिल, ये गवर्नमेंट की बात। लेकिन आप यूनिवर्सिटीज बोर्ड पर तो हैं आप? यूनिवर्सिटी का क्या यूनिवर्सिटी बोर्ड से इसका कोई कंसर्न नहीं लेते? इसका कोई संबंध नहीं, यूनिवर्सिटी में क्या है कि कोर्सेस रन करते हैं कॉलेजेस में, वो पढ़ाई कैसी हो, उसका एग्जामिनेशन कैसा हो, उसका रिजल्ट, ये काम यूनिवर्सिटी का काम नहीं है, ये गवर्नमेंट का काम है। क्या आप ऐसा कहने जा रहे हैं कि होम्योपैथ्स जो है, जो महाराष्ट्र में पढ़ रहे हैं और महाराष्ट्र में प्रैक्टिस करना चाहते, सरकार ने उनको बिल्कुल मान्यता नहीं दी? नहीं, बिल्कुल मान्यता नहीं दी, होम्योपैथी को मान्यता दी उन्होंने, लेकिन पैट्रोनाइज ने, राजाश्रय ने दिया होम्योपैथी। मतलब कैसा कहें उसको, स्पष्ट कहें? राजाश्रय यानी कि उन्होंने गवर्नमेंट डिस्पेंसरी खोलना चाहिए, सेपरेट डायरेक्टर करना चाहिए, अभी पूरे देश में मैंने देखा है, मतलब ये प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ, सिर्फ प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट के कॉलेज नहीं, बाकी स्टेट में गवर्नमेंट के कॉलेज है, 33 कॉलेजेस है पूरे देश में गवर्नमेंट के, और हमारा महाराष्ट्र बोलते हैं हम फॉरवर्ड स्टेट है, यहाँ एक भी कॉलेज नहीं। गवर्नमेंट मॉडल कॉलेज को 10 करोड़ रुपए देने को तैयार है, मैं मिनिस्टर साहब और हमारे इनको बोला, वाइस चांसलर को, साहब आप कॉलेज खोलो, मैं वहाँ से कोशिश करता हूँ इसको गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट से तरफ से ग्रांट लाने के लिए मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन कुछ नहीं कर रहे। क्या वजह मानते हैं आप इसके पीछे? नहीं, उनके पास विल पावर ही नहीं। क्या सरकार की उदासीनता है? उदासीनता है होम्योपैथी के बारे में। ऐसा क्यों है? अब ये तो समझ में नहीं आ रहा है कि वो करना नहीं चाहते। क्या विज्ञान को नकारते हैं? नकारते हैं, समझ में नहीं रहा, उसीलिए तो हमको अब ये करना पड़ रहा है। क्या आप हताश होकर ये कर रहे हैं? ऐसे ही समझिए, निराश होकर कर रहे हैं? निराश होकर ही बोलिए। लेकिन अब आप मुझे ये बताइए कि इसमें आप लोगों से, जो कि आम स्वास्थ्य से जुड़े हुए जो आम नागरिक है हमारे देश का, उससे क्या अपेक्षा करेंगे आप इसके लिए? हम इसके लिए अपेक्षा करेंगे कि समझो ग्राम पंचायत है, नगर पालिका है,
कि ऐसे डॉक्टर को ये पैथी की कुछ तरह परमिशन मिलना चाहिए, इसके लिए हम ये भी हम जन आंदोलन कर रहे हैं, उनको उनका क्या बोलते उनको मार्गदर्शन करके कुछ सेमिनार, उनको शिविर ऐसा करके उनको हम बता रहे हैं कि भाई आपके तरफ से भी ये डिमांड होनी चाहिए, गवर्नमेंट को आप लिखिए कि ये डॉक्टर हमारे खेड़े में आते हैं, रात में कभी भी बुलाया तो आते हैं, ये हमारे फ्रेंड जैसे है, अच्छे मित्र है, डॉक्टर भी है, हमारे गाइड भी है, हमारे और पालक उन्होंने जैसा गार्डियन बोल के है डॉक्टर से, ऐसे हम हमारे जो प्रेक्षक अभी देख रहे हैं उनको हम गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी हम जैसे मांग कर रहे हैं वैसे आपके तरफ से भी इसके बारे में मांग होना चाहिए, आप लोग भी गवर्नमेंट को लिखना चाहिए, कुछ पेपर में भी उसके लिए देना चाहिए, ऐसे में आप सबको मैं। अच्छा आप मुझे आप एक बताइए, आप इतने बरसों से आप होम्योपैथ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप होम्योपैथ को पढ़ाते भी हैं, आप कॉलेज में प्राचार्य हैं, आप ये जो इस समय में जो एडवांस होम्योपैथी जो आई है आप इसको कहाँ पर देखते हैं, एलोपैथ के इक्वलेंट देखते हैं या फिर होम्योपैथ में एक नई चीज़ देखते हैं आप? नहीं, क्या है कि होम्योपैथी में एडवांस हो ही नहीं सकता। अच्छा, मैं इसके बारे में बोल सकता हूँ कि मैंने जब बताया आपको कि आज एक MR आपको बोलता है कि भाई ये दवाई आपको इस बीमारी पे चलेगी जी, वो दूसरे महीने में आता है, आप वो दवाई छोड़ दो, अभी इससे ज्यादा ये अच्छी है। अच्छा सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। बिल्कुल, वो MR आता है, वो पढ़ाता है डॉक्टर को कि ये दवाई इसको काम करती है, और वही MR आता है एक महीने के बाद, वो फेंक दीजिए, मैं ये दूसरी दवाई अच्छी काम करती है। तो ये साइंस है, अब साइंस के बारे में हम बोल नहीं सकते, लेकिन हमारे होम्योपैथी का जो साइंस है ये स्टेबल है, ये चेंज नहीं हो सकता, उसका फिलॉसफी चेंज नहीं हो सकता, उसका बेसिक नहीं बदलता, बेसिक बदल ही नहीं सकते, मेडिसिन का जो बनाने का तरीका वो भी नहीं हम बदल सकते, हम उसमें रिसर्च कर सकते हैं। रिसर्च कैसा कि समझो एक बीमारी है तो वो बीमारी पर कौन से मेडिसिन ज़्यादा इफेक्ट काम करते हैं होम्योपैथी के, दूसरे दवाई नहीं आ सकती, दूसरे दवाई आ नहीं सकती, लेकिन है जो दवाई है उसमें से कौन सी दवाई, मतलब नीम है, हाँ, तो वो नीम का काम करेगा, काम करेगा, अब वो कहाँ काम करेगा इस पर आप संशोधन कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। चलिए डॉक्टर साहब, आपसे बातचीत करके बड़ा अच्छा लगा, एक अंतिम टिप्पणी आपसे लेंगे, आप इतना बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं और आपको लोग भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप क्या कहेंगे, एक अंतिम टिप्पणी इस आंदोलन के संबंध में? इस आंदोलन में मैं हमारे होम्योपैथिक जो डॉक्टर्स है और कॉलेजेस के जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको मैं नम्र निवेदन करता हूँ कि हम अभी इसमें सब लोग एकजुट होकर इस आंदोलन में पड़े हैं, तो आप सब लोग हमारे साथ आइए, हमारे 11 तारीख के जो मोर्चा हम निकाल रहे हैं उसमें शामिल हुई है, और इससे सब लोगों का फायदा है, डॉक्टर लोगों का फायदा है, हमारे जो लोग हैं उनका भी फायदा है, और इसके लिए मैं आपसे भी नम्र निवेदन है कि आपके माध्यम से भी हमारी जो डिमांड्स है ये डिमांड्स पब्लिक तक जाने की वो तो पहुंच ही रही है। मित्रों, विशेष आवाज़ थी आज की डॉक्टर अरुण भस्मे साहब की, और ये आवाज़ इसलिए थी कि होम्योपैथ के संवर्धन के लिए, उसके विकास के लिए और उसकी स्टेबिलिटी के लिए इस आंदोलन की जो तैयारी वे कर रहे हैं, ये बातचीत हमने उनसे की, यहाँ पर रुकते हैं, प्रोग्राम आगे भी जारी है। अरुण भस्मे साहब आप हमारे साथ आए और हमसे बातचीत की, इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मित्रों बने रहिएगा आवाज़ इंडिया के साथ।